मुमकिना महंगाई का बम डिफ्यूज। हुकूमत का 15 दिन के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल 1.77 रुपया फी लीटर सस्ता। नई कीमत 285.56 रुपये फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 1.35 रुपया फी लीटर कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द बदल का इतलाक हो गया। हुकूमत एलपीजी माफिया के सामने बेबस। माफिया ने एलपीजी की कीमत में मजीद 30 रुपये का इजाफा कर दिया। लाहौर में एलपीजी 350 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगी। एलपीजी की सरकारी कीमत 257 रुपये फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की 3030 के बजाय 4200 रुपये में फरोख्त जारी। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर कहते हैं, मुल्क भर में एलपीजी की मस्नूई किल्लत पैदा की गई। रमजान मुबारक में ब्लैक मार्केटिंग करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। घी के दाम कम करने के बजाय बढ़ा दिए गए। दर्जा दोम का घी 10 से 15 रुपए फी किलो तक महंगा कर दिया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमत 455 रुपए फी किलो मुकर्रर। किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन का वजीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा। कल कुल वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे ने सूबाई वजरा के साथ मुलाकात की, घी 15 रुपए कम करने का ऐलान किया। रावलपिंडी में वफात पाने वाले नौजवान के अतिया करदा आजा के 2 ऑपरेशन नाकाम। पीकेएलआई में लीवर ट्रांसप्लांट के दोनों केस कामयाब न हो सके। लीवर ट्रांसप्लांट के मरीज अतीकुल रहमान का इंतकाल हो गया। अहले खाना के मुताबिक अतीकुल रहमान को ट्रांसप्लांट के रोज से होश नहीं आया था। लीवर ट्रांसप्लांट के दूसरे मरीज 6 साला हमदान की हालत भी तशवीशनाक करार। बच्चे को अब तक होश नहीं आया। वज़ीर आला ने पंजाब में सरमायाकारी के फरोग के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत ख़ुसूसी इजलास, एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। मरीजों की इमरजेंसी मुंतकली के लिए अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। मरियम नवाज का कहना है, सियासी अदम इस्तेकाम के दौर का खात्मा हो चुका। हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए पूरी तरह यकसू है। पंजाब में बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज भी कर दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला ने इंडस्ट्रियल जोन का मैपिंग प्लान तलब कर लिया। कहती हैं कि पंजाब में रीजनल इकोनॉमिक कॉरिडोर की जामिया प्लानिंग की जाए। स्मोक के सतहबाब की हिकमत अमली मुरतब करने के लिए तमाम सनती यूनिट का डेटा तैयार किया जाएगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन का दोबारा गिनती में अपने अरकान को हराए जाने पर शदीद एहतजाज। राणा आफ्ताब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हल्फ उठाने के बाद किसी को डीसीट नहीं कर सकता। दोबारा गिनती करके एकतरफा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 6 ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश कर दिए गए। पंजाब असेंबली का इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। एलडीए को जदीद बनाने का मंसूबा फ्लॉप। लैंड माफिया के असर रसूख की वजह से इंतजामिया ने मंसूबा बंद कर दिया। एलडीए में डिजिटलाइजेशन पर काम रोक दिया गया। डिजिटलाइजेशन के फंड सिविल कंस्ट्रक्शन मंसूबों पर लग गए। एलडीए को डिजिटलाइज करने के लिए 71 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया था। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समात। अदालत का रमजान में मार्केटें 12 बजे तक, हफ्ता इतवार को रात 1 बजे तक खोलने का हुक्म। अदालत ने रेस्टोरेंट से पार्किंग से मुतालिक प्लान तलब कर लिया। जुडिशियल कमीशन के अमला से रेस्टोरेंट मालिक की बदतमीजी का नोटिस। हाईकोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। अदालत ने विफाकी हुकूमत के वकील को तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत के वकील का मौकफ सुनकर नोटिस करने या ना करने का फैसला करेंगे। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने दरख्वास्त पर समाप्त की।